आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत आसान सा और सिंपल सा ट्रिक, सिकल सेल एनीमिया की जो बीटा चेन होती है उसे उसका करेक्ट सीक्वेंस कैसे याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिकल सेल एनीमिया में जो बीटा चेन होती है उसी में सिर्फ एक जगह पे चेंजेस आते हैं और इसे पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इसे पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। इसे पॉइंट म्यूटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बेसेस हैं सिर्फ एक बेस में चेंज होएगा, सिर्फ एक बेस में। ये नॉर्मल जो बेस होता है यहाँ पे वो होता है एडनीन, ये इसकी जगह रिप्लेस कर देता है थाइमीन। तो उसकी सिर्फ एक ही जगह पे चेंज आ गया है। यहाँ पे एडनीन होना चाहिए था, नॉर्मली ऐसा होता है। हमें सिर्फ ये याद रखना, नॉर्मल ये होता है जी ए जी होता है। यहाँ पे बीच में ए होता है, इसकी जगह एब नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पे थायमीन हो जाता है, इसीलिए ही होता है। अब ये सब कुछ हमें याद रखना कोई जरूरी नहीं है, ये बहुत आसान है। जैसे ये है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो साइटोसिन होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है। तो ऐसे ही हो जाएगा, उसका एमआरएनए बनेगा। अब मेन चीज पे हम लोग आते हैं। तो ये जो यहाँ पे टूल मैंने बनाया है इसे सिकल बोलते हैं। जो आरबीसी जनरली जो आरबीसी होती हैं वो बाइकॉनकेव होती है, मैमल की बाइकॉनकेव होती है। और इसका एक एक्सेप्शन है, कैमल ललामा, उनकी होती है ओवल शेप। ठीक है, कैमल ललामा दो एग्जाम्पल हैं जिनमें एक्सेप्शन आता है। तो जनरली आरबीसीज होती हैं वो बाइकॉनकेव होती हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया जिसे होता है उसकी आरबीसी जो सिकल है इस टाइप से सिकल बना, वो ऐसा कुछ हो जाता है आरबीसी। इसीलिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसी की कम हो जाती है ऐसा शेप होने से। तो अब देखते हैं कि हमें ये सीक्वेंस याद करना क्योंकि बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, जो सिक्स पोजीशन जो नॉर्मली ये होता है 1 2 3 4 5 6, इसे मैं याद कैसे करना है करेक्ट सीक्वेंस को। इसका याद करने का तरीका ये है, हमें एक सेंटेंस याद करना है, मैं बताता हूँ। बैलिन हिज सिस्टर ल्यूसी थ्रो प्रोफेसर ग्यूटा ग्यूटा, ऐसे याद करना है। बैलिन हिज सिस्टर ल्यूसीन थ्रो प्रोफेसर ग्यूटा ग्यूटा, ऐसे याद करना है। बाद में सिकल सेल एनीमिया में जो सिक्स पोजीशन होती है नॉर्मल, ये नॉर्मल ग्लूकोनिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड सिक्स पोजीशन में नॉर्मली होता है, और उसकी जगह रिप्लेस कर जाता है बैलिन, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होती है। और ये पूरी चेन होती है ये बीटा चेन इसे बोला जाता है। अगर सिर्फ एक जगह पे म्यूटेशन हो रहा है, सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह बैलिन एक जगह पे सिर्फ जा रहा है, इसीलिए हम इसे पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। रोज़ाना मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ।